इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानसी आचार्य। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज वाराणसी में मनाएंगे 68वां जन्मदिन। नरउर गांव में प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट कक्षाएं होंगी शुरू। बाली में शराब के नशे में बाइक सवार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, गनीमत रही कि साइकिल सवार युवक को नहीं आई चोट। तेल की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी, मुंबई में 90 रुपए के करीब पहुंचा पेट्रोल। और लखनऊ में करोड़ों के राशन घोटाले का पर्दाफाश, 3 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज अपना 68वां जन्मदिन वाराणसी में मनाएंगे। रिटर्न गिफ्ट में प्रधानमंत्री करीब 600 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी के नरउर गांव पहुंचेंगे, जहां के प्राथमिक विद्यालय में छात्रों से मुलाकात और बातचीत करेंगे। नरउर के इस प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट कक्षाएं शुरू होंगी। इन्हीं बच्चों के साथ पीएम अपना जन्मदिन भी मनाएंगे। 4 साल में प्रधानमंत्री की अपनी संसदीय क्षेत्र में ये 14वीं यात्रा होगी। प्रोटोकॉल के मुताबिक वो करीब 19 घंटे काशी में गुजारेंगे और सोमवार की शाम 5 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की आज से 3 दिवसीय व्याख्यान माला दिल्ली में शुरू हो रही है, जिसके केंद्र में हिंदुत्व होगा। लेकिन इस कार्यक्रम में विपक्ष के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावना कम है। इस कार्यक्रम की विशिष्टता, 3 दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न समसामयिक विषयों पर संघ का विचार प्रस्तुत किया जाना है। कार्यक्रम का शीर्षक भविष्य का भारत, आरएसएस का दृष्टिकोण रखा गया है। इसमें कई गणमान्य लोगों के भाग लेने जाने की उम्मीद है, जिनमें धार्मिक नेता, फिल्म कलाकार, खेल हस्तियां, उद्योगपति और विभिन्न देशों के राजनयिक शामिल होंगे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 1 दिवसीय दौरे पर होंगे। इस दौरान वो रोड शो करेंगे और पदाधिकारियों से मुखातिब होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए बताया कि राहुल गांधी सोमवार को सुबह 11:30 बजे विशेष विमान से भोपाल पहुंचेंगे। इसके बाद हवाई अड्डे से सीधे कार द्वारा लालघाटी चौराहे पहुंचेंगे। लालघाटी से दोपहर 12 बजे उनका रोड शो शुरू होगा, जो लालघाटी से वीआईपी गेस्ट हाउस, इमामी गेट, सदर मंजिल, कमला पार्क, पॉलिटेक्निक चौराहा, बाणगंगा, रोशनपुरा चौराहा, एपेक्स बैंक, पीसीसी, ज्योति टॉकीज, चेतक ब्रिज, कस्तूरबा नगर तिराहे से अन्ना नगर होता हुआ दशहरा भेल मैदान पहुंचेगा। कमलनाथ के अनुसार वह रोड शो के बाद भेल दशहरा मैदान में दोपहर 3 बजे कांग्रेस पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। कीमतों में सोमवार को फिर बढ़ोतरी हो गई है। 1 अगस्त से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगभग हर दिन बढ़ोतरी की जा रही है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 15 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 82.06 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। वहीं डीजल 6 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 73.78 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुका है। मुंबई में पेट्रोल 15 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 89.44 रुपए प्रति लीटर और डीजल 7 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 78.33 रुपए प्रति लीटर हो गया है। हरियाणा के रेवाड़ी गैंग रेप कांड में आरोपियों पर कानून का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। विशेष जांच दल ने हरियाणा में एक बोट टॉपर के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में 3 मुख्य आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। वसी ने कहा कि अन्य 2 मुख्य आरोपी पंकज और मनीष को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस ने पहले ही दीनदयाल डॉक्टर संजीव को गिरफ्तार कर लिया है। खट्टर सरकार ने रेवाड़ी के एसपी का स्थानांतरण कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी सुरक्षा में तैनात राहुल शर्मा को रेवाड़ी एसपी की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही उन्होंने इस संबंध में डीजीपी बीएस संधू को चंडीगढ़ तलब किया है। सीएम अपने पठानकोट और जालंधर के कार्यक्रम रद्द कर
चंडीगढ़ लौट आए हैं। उन्होंने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित छात्रा से गैंगरेप मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को दबोच लिया है। उत्तर प्रदेश के एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ने खाद्य और रसद विभाग की राशन वितरण प्रणाली में सेंध लगाकर करोड़ों रुपए का घोटाला किए जाने का पर्दाफाश करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। राजधानी लखनऊ के थाना वजीरगंज क्षेत्र अंतर्गत क्रिश्चियन कॉलेज चौराहे से रविवार को पकड़े गए तीन लोग कोटेदार कंप्यूटर ऑपरेटर और तीसरा कंप्यूटर का अच्छा जानकार है। यह लोग आधार कार्ड के नंबर में बदलाव कर और डेटाबेस से छेड़छाड़ कर ई पास मशीन से हजारों क्विंटल गेहूं चावल की खरीद फरोख्त दिखाकर करोड़ों का गबन कर रहे थे। यूपीएसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने बताया कि पकड़े गए तीनों की पहचान कोटेदार मोहम्मद आमिर खान और उसके भाई कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद अल्तमश निवासी गढ़ बावर्ची टोला थाना वजीरगंज लखनऊ और पुष्पेंद्र पाल निवासी थाना कुर्दा जनपद मैनीपुरी हालपता दादरी नोएडा के रूप में हुई है। तीनों को लखनऊ के क्रिश्चियन कॉलेज चौराहे से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के पास से डेस्कटॉप कंप्यूटर सीपीयू और दो ई पास मशीन बरामद हुई है। झालावाड़ के डग कस्बे में सोमवार को कस्बे के गणेश चौक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर मंशापूर्ण गणेश उत्सव समिति के सदस्यों ने गणेश चौक परिसर में झाड़ू लगाकर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया और स्वच्छता का संदेश दिया। लोगों से अपने आसपास सफाई रखने की अपील की। इस अवसर पर गणेश उत्सव समिति अध्यक्ष अरविंद लडौती, राजनाथ दया, लालचंद प्रेमी, भग्गा पटेल, जय किशन, नेमी चंद तिवारी सहित आदि मौजूद रहे। बूंदी में राजस्थानी स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रदेश व्यापी आह्वान पर रविवार को कार्यशाला के बाहर एटक सीटू इंटेक बीजेम्स और रिटायर्ड कल्याण समिति द्वारा धरना दिया गया। एटक सचिव अशोक सक्सेना ने बताया कि जुलाई 2018 तक बकाया अनुदान की राशि 19 लाख रुपए करने और अगस्त 2018 के अनुदान की बकाया राशि 2 करोड़ राज्य सरकार रोडवेज को शीघ्र दे। रोडवेज श्रमिकों को राज्य सरकार के अनुरूप सातवां वेतन लागू करने और सभी वर्गों के रिक्त पदों और बसों की मरम्मत और रखरखाव से संबंधित पदों को भरने की स्वीकृति जारी की जाए। एटक सचिव अशोक सक्सेना ने बताया कि शनिवार रात 12 बजे से रोडवेज का चक्का जाम कर दिया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि शीघ्र ही सभी मांगे समय अनुसार पूरी कर दी जाए, अन्यथा कर्मचारियों को आंदोलन का सहारा लेना होगा। भुसावर की ओर से शराब के नशे में चालक वाहन को तेज गति और लापरवाही से चलते हुए महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को भुसावर सीएचसी में भर्ती कराया गया और गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर रेफर कर दिया गया। झालावाड़ जिले के बकानी में देवनारायण जयंती पर गुर्जर समाज बंधुओं द्वारा बकानी कस्बे में भगवान देवनारायण की शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा में बिंदोरी का प्रदर्शन देखने के लिए कस्बे वासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान डीजे की धुन पर समाज बंधुओं ने जमकर नृत्य का लुत्फ उठाया। देवनारायण जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष सुजान सिंह गुर्जर ने बताया कि शोभा यात्रा में रथ पर भगवान देवनारायण की झांकी बनाई गई थी और झालावाड़ जिले के समाज के पदाधिकारियों के हाथों से महाप्रसादी का वितरण किया गया। रीवा समान थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाण सागर के पास भारत पेट्रोलियम का टैंकर बाइक सवार को ट्रोन दिया, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल की हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार घायल का नाम राकेश गुप्ता बताया जा रहा है।
भर में ग्रामीण पेयजल को तरस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्राम में जगह जगह पेयजल की क्षतिग्रस्त पाइपलाइन में से रोजाना सैकड़ों लीटर पानी सड़क पर व्यर्थ बह रहा है। मामले से जलदाय विभाग के अधिकारी भी वाकिफ हैं, लेकिन उनके बावजूद भी उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। अयोध्या कॉलोनी में पेयजल की पाइपलाइन के बार बार क्षतिग्रस्त होने के बाद भी जलदाय विभाग कोई ठोस इंतजाम नहीं कर रहा है। ग्राम भर में 3 दिन छोड़कर पेयजल की सप्लाई होती है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता श्याम सैनी मौजूद हैं। जी श्याम जी, बताएं। आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो जी श्याम जी, बताएं। जी मैं बताना चाहूँ, ये भर में लंबे समय से पेयजल की समस्या है जी। इसके अलावा दूसरे जो ये क्षतिग्रस्त पाइपलाइन है मेघड़ रोड पे, ये बहुत दिनों से क्षतिग्रस्त हो रखी है और इसमें रोजाना सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। इसके अलावा अयोध्या कॉलोनी में भी जो पाइपलाइन जलदाय विभाग की है जी, वो बार बार क्षतिग्रस्त हो रही है। तो सर ये सोचने वाली बात है की अयोध्या कॉलोनी में इस सारे जो ग्राम पंचायत के सरपंच है उनका भी मकान आया हुआ, फिर भी उसके बावजूद भी उनका भी इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है ग्राम की समस्या की तरफ। ग्राम में जो पानी की 3 दिन छोड़ के जो सप्लाई होती है वो भी लोगों को पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, जिससे वो पेयजल की समस्या का सामना तो करना ही पड़ रहा है। लेकिन इस तरफ न तो जलदाय विभाग के अधिकारी का ध्यान जा रहा है और न ही स्थानीय सरपंच का ध्यान जा रहा है, और बार बार पाइपलाइन में ये क्षतिग्रस्त हो रही है जी। तो इस पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, क्योंकि उनका घर भी उसी क्षेत्र में आता है, फिर भी वो उसको लेकर कोई भी एहतियात नहीं बरत रहे हैं, कोई भी उसकी समाधान नहीं निकाला गया है जी। ये लंबे समय से, ये सालों से समस्या है जी। बरग्राम में पानी की जो सप्लाई होती है उस समय जिस समय सप्लाई देते हैं उस समय एक तो लाइट नहीं काटी जाती है, लाइट नहीं काटी जाती है तो अधिकतर लोग बूस्टर का यूज करते हैं। बूस्टर का यूज करने से बहुत से लोगों के घरों तक पानी की सप्लाई नहीं जा पाती है, धीरे धीरे स्लो पानी आता है। और जलदाय विभाग के कर्मचारियों को अधिकारियों को कई बार अवगत करा दिया, जिस समय लाइट की जलदाय विभाग की पानी की सप्लाई होती है उस समय लाइट भी बंद करवा दिया करो, उसके बावजूद सिर्फ आश्वासन देते हैं लेकिन लाइट नहीं कटवाते हैं। तो इस मामले को लेकर कोई उच्च अधिकारी को इस बारे में जानकारी है या सिर्फ जलदाय विभाग के अधिकारियों को इस बारे में पता है? जी मानसी जी, मैं बताना चाहूँगी जलदाय विभाग के अधिकारी बिल्कुल वाकिफ है इस समस्या के जी, और उनको कई बार तकलीफ हो तो भी बोल रखा है कि यहाँ पे जो सप्लाई होती है मेघड़ा रोड पे और अन्य कॉलोनी में कि बहुत धीरे धीरे पानी आता है, तो उस दौरान लाइट की सप्लाई बंद करवा दी जाए, सिर्फ आश्वासन दे दें हमने बोल रखा है विभाग वाले को, विद्युत विभाग वाले को लाइट काट दी जाएगी, लेकिन वो फिर ज्यादा दिन तक नहीं काटते हैं, सप्लाई थोड़े दिन काट देता है, फिर उसी के बाद में वही रहता है रोज का ढिंढोड़ा वही पीटते रहते हैं, चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता श्याम सैनी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से जलदाय और सारे अधिकारी इस बात से अच्छी तरह से अवगत हैं कि मोहल्ले में क्षेत्र में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, फिर भी उसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। झुंझुनू के सेठ मोतीलाल इंडोर स्टेडियम में जिला स्तरीय ब्राह्मण प्रतिभा सम्मान समारोह और ब्राह्मण महासम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज की वीरांगनाओं समेत 482 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि IAS वीणा प्रधान, IG क्राइम ब्रांच हरिप्रसाद शर्मा, RPS गिरधारी लाल शर्मा, ममता सारस्वत सहित अन्य मौजूद रहे। प्रतिभावान में RAS, MBBS, लेफ्टिनेंट कर्नल, CA, PhD, CH, राज्य सेवा में चयनित और कक्षा 10वीं और 12वीं स्नातक और स्नातकोत्तर में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में हुकुमी चंद के जीवन पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन भी किया गया। ये झुंझुनू जिले के जो समाज के प्रतिभावान बच्चे हैं उनका सम्मान समारोह है, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चों का प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, दूसरे बच्चों का मनोबल बढ़ता है,
और एक पॉजिटिव माहौल तैयार होता है, इसलिए इस प्रोग्राम में बच्चों का मनोबल बढ़ाने की दृष्टि से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। संदेश यही है कि जीवन में अगर यदि हमें कोई लक्ष्य हासिल करना है तो खूब लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, मेहनत करें और हम सबको साथ लेके चले, यही संदेश। जिले की सभी प्रतिभाएं, सभी समाज अर्थात ब्राह्मण समाज के अंदर अलग अलग जो पार्ट्स हैं, दादीज, खंडेलवाल, गोड, उन सभी से प्रतिभाएं यहाँ पे पहुंची। लगभग 433 प्रतिभाएं 10वीं से लेकर के स्नातकोत्तर, साथ ही जिनका नीट IIT में चयन हुआ है, CA CS, इसके लिए उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। प्रत्येक पुरस्कृत होने वाले या सम्मानित होने वाले विद्यार्थी को सम्मान पत्र के साथ साथ एक प्रतिभा वृक्ष भी दिया जा रहा है। उस प्रतिभा वृक्ष के देने के पीछे हमारा जो उद्देश्य रहा है वो ये कि पर्यावरण संरक्षण की भी हमारे समाज के अंदर एक मैसेज पहुंचे। बाली के नाना थाना के अंतर्गत बेड़ा पुलिस चौकी के पास वरावल की ओर से शराब के नशे में धुत होकर दो आदिवासी बाइक सवार ने साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार युवक और बाइक सवार घायल हो गए। गनीमत रही कि साइकिल सवार युवक को चोट नहीं आई। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़।